दोस्तों, स्वागत है आपका नैनीताल से। तो मैं हूँ नैनीताल के DSB रोड पे अभी, और चलिए दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आज नैनीताल। तो ये है DSB रोड, और यहाँ से ठीक नीचे है मंदिर, और ठंडी सड़क दिखाई दे रही है। तो आज ठंडी सड़क के ऊपर वाली रोड पे हूँ मैं, यानी कि कॉलेज रोड पे। तो आज चलिए इधर से चलते हैं, और मेरा वॉक भी हो जाएगा साथ साथ, कुछ नज़ारे नैनीताल के आपको भी दिखा दूँगी। तो चलिए साथ में बने रहिए। तो बड़ी ही सुंदर रोड है ये, पूरे घने पेड़ों से घिरी। तो इस रोड में वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि शांत रोड है। तो दोस्तों, नीचे हैं जंगली मुर्गियां बहुत सारी। तो ये देखिए, थोड़ा सा जूम करती हूँ अगर दिखे तो। तो इस जगह पे काफ़ी फीजेंट्स दिखाई देती है, जंगली मुर्गियाँ, और कोई कोई बड़ी सुंदर सुंदर कलर्स की भी होती हैं। तो ये देखिए जा रही है। तो इस रोड की यही खासियत है, यहाँ पे शांति भी है और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी व्यू मैंने और पहले भी दिखाया है कई बार, तो अभी फिर से दिखाती हूँ यहाँ से कैसा व्यू है। तो सामने पांगड़ के पेड़ों पे फूल खिले हैं, और साथ में नैनीताल का खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों, कॉलेज के गेट पे पहुंच चुकी हूँ मैं अभी। यहाँ से चलेंगे पीछे वाले रास्ते, जो रोड जाती है राजभवन को। तो यहाँ से दो रास्तों के डाइवर्जन्स हैं। ये वाला रास्ता ये जाता है राजभवन की तरफ होते हुए तल्लीताल, और ये पैदल रास्ता है जो हॉस्टल्स के पास से तल्लीताल निकलता है। यहाँ पर बाइक्स वगैरह जाती हैं, और जो मेन रोड है वो ऊपर वाली है। तो ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है कॉलेज की बैक साइड, और इसी रास्ते से होते हुए मैं उतरूंगी नीचे। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके पीछे की तरफ को जाके और नीचे की तरफ को जाके कॉलेज के हॉस्टल्स हैं। जैसा कि किसी ने बोला था कि दिखा देना, तो मैं सिर्फ यहीं से दिखा पाऊँगी, हॉस्टल जाके तो नहीं दिखा पाऊँगी। बस आप यहाँ से फील ले सकते हैं हॉस्टल का, जो भी यहाँ रहते होंगे उनकी यादें जुड़ी होंगी इस जगह से काफ़ी। तो यहाँ से दिख रहा है तल्लीताल का बड़ा सुंदर सा व्यू। तो ये पूरा एरिया तल्लीताल का एरिया है। तो अभी तल्लीताल पहुँच चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे आके बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि जो ये लहरें हैं ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। हालांकि लेक में पानी इतना कम हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम पानी है। तो इस बार पानी की बड़ी किल्लत होने वाली है, अगर बारिश नहीं हुई तो। पर अभी बारिश होने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। तो आसमान में अभी भी कहीं कहीं पे धुआं धुआं सा दिख रहा है, क्योंकि आग तो अभी भी लगी है जंगलों में आसपास। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के डिवाइडर्स लगे हैं सब जगह पे, इस तरफ भी है और आगे भी है। तो इस जगह को तल्लीताल डार्ट बोलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी भीड़ है, जो कि आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, और जो नज़ारे हैं उनका मज़ा ले रहे हैं। सामने ये वाला जो बिल्डिंग है, ये है बिशप शॉ स्कूल, और उसके ठीक नीचे है तल्लीताल का रोडवेज जो बस अड्डा बन रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए नीचे शिफ्ट किया हुआ है।
तो ये रास्ता जो सामने दिखाई दे रहा है ये है हल्द्वानी रोड। तो मैं वापस निकल पा रही हूँ मल्लीताल की ओर और यहाँ पर है लेक ब्रिज टोल टैक्स जो कि है 110 रुपये। तो जितनी बार आप इस जगह को पार करेंगे आपको 110 रुपये का टोल यहाँ पे देना पड़ेगा। लोकल्स के लिए पास बनता है, बाकी जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे 110 रुपये देना पड़ता है। तो नैनीताल का मौसम बड़ा ही मस्त हो रहा है और अगर होटल रेट्स की बात करें तो मई जून आ चुका है, होटल के रेट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आपको 2-2.5 हज़ार से कम के होटल्स मॉल रोड पे तो नहीं मिलेंगे फ़िलहाल, और जिनको बजट होटल्स चाहिए उसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा या फिर पैदल वॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको सस्ते होटल मिल सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी मॉल रोड के होटल्स हैं उन सब के रेट्स इस टाइम पे हाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कम रेट के होटल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज भीड़ कल से थोड़ी सी कम लग रही है, कल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी था और लोग भी अपर मॉल रोड पर बहुत सारे दिख रहे थे, बट आज थोड़ा सा हल्का है सीज़न, बट अब तो आगे सीज़न के ही दिन है तो भीड़ भाड़ ही रहेगी। तो मल्लीताल पहुंच चुकी हूँ मैं, मेरे सामने है मचान रेस्टोरेंट। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, नॉन वेज वेज दोनों बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों मॉल रोड पे तो भीड़ नहीं थी लेकिन इस साइड ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि लोग ख़रीदारी करते रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स लगे रहते हैं यहाँ पर फड़ मार्केट, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो मॉल रोड साइड आज कम भीड़ थी लेकिन आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही है, सीरी सिर दिख रहे हैं आगे बस। तो आज के गुरुद्वारे के दर्शन कर लेते हैं और मैं भी कर लेती हूँ। तो भीड़ है इस साइड पे, बाकी उधर की साइड पे कम भीड़ थी मॉल रोड साइड में, तो ये इधर वाली साइड में है थोड़ी सी भीड़। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन भी कर लें। तो आज सबने यहाँ पता नहीं बाहर से शूज़ क्यों उतारे, एक ने उतारे होंगे उसके पीछे सभी ने उतार दिया शायद, वरना अंदर व्यवस्था है शूज़ उतारने की। तो मंदिर में भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो यहाँ पे चल रहा है गाना, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। चलिए दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ मैं और आज का वीडियो करते हैं एंड। तो एंड करने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालिए, इधर उधर ना फैलाइए। तो जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक कूड़े को अपने साथ कैरी कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ इधर उधर गंदगी ना कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।